हेलो गाइस, वेलकम टू डेयरफो। फर्स्ट मैं आप लोगों से पूछूंगा, हालचाल कैसा है आपका? अभी भी आप लोग शॉक में हो क्या? तो अगर अभी भी आप लोग शॉक में हो तो टेंशन मत लीजिए। आज का जो एसबीआई पीओ का मेंस का जो पेपर था, ये पेपर देने के बाद बच्चों का हालत बहुत ही खराब है। ये ऐसा नहीं कि 99% बच्चों का खराब है, नो, ना 99.99% बच्चों का हालत आज का पेपर देने के बाद बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर उतना टेंशन मत लीजिए। आप लोग एक्सेप्शन नहीं है कि पेपर से आप ही को टफ लगा, ईच एंड एवरी बच्चों का हालत खराब है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मतलब एसबीआई पीओ का मेंस का एक गुड डेम शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा आज ही का एसबीआई पीओ का। ठीक है, लेकिन जैसे मैं देखिए अभी तक मैंने 10 से 15 बच्चों से बात किया है। ठीक है, 10 से 15 बच्चों से बात किया, जो मेरा फर्स्ट बच्चों से मैंने जब एग्जाम खत्म होने के बाद जब बच्चे ने मुझे फोन किया था, उनसे मैंने पूछा कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, तो उन बच्चे का कहना था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ है, क्वांटम रीजनिंग ड्यूएबल था ही नहीं। तो मेरा अल्टीमेट थिंकिंग था कि आईबीपीएस पीओ हो, मेंस हो या जो भी हो, क्वांटम रीजनिंग में एक सेक्शन तो टफ आता ही है। वो मुझे पता है कि एक सेक्शन रुलाने वाला आएगा, एक सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो बनाने के लायक रहेगा। लेकिन वो बच्चे का कहना था कि सर पेपर में बनाने लायक उतना कुछ था ही नहीं, सिंगल डिजिट में बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कभी कभी होता है ना, बच्चे नर्वस में गलती करते हैं। लेकिन उसके बाद और भी 3-4 लोगों से बात किया मैंने, और भी 3-4 बच्चों से बात किया, उनका भी कहना सेम था। उसके बाद भी जब मैंने बात किया, बच्चों का लिटरली कहना यह था कि सर एग्जाम देने का टाइम में जब क्वांट सेक्शन हुआ, तो क्वांट सेक्शन में एक स्टेज ऐसा आ गया जहां पे हम लोग क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के थक गए थे कि क्या बनाए, क्योंकि बनाने लायक था नहीं। उसके बाद हम लोग बगल वाले से मतलब बगल वाले कंप्यूटर में जाकर झाके एक बार देख रहे थे, क्या मतलब मेरा ही कंडीशन ऐसा है या उनका भी इसी लेवल पे ही चल रहा है। बिकॉज एक स्टेज में हमें सेल्फ डाउट होने लगा कि यार हम लोगों ने क्या प्रिपरेशन किया है, कुछ भी नहीं बन रहे। आईबीपीएस में पीओ में तो अच्छा खासा पेपर था, मतलब इस तरीके का सेल्फ डाउट एग्जाम में बच्चों को झेलना पड़ा आज। तो बच्चे जब एग्जाम देके निकले, तो बच्चे कुछ करे ना करे, फर्स्ट पहले ही बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे क्वांट सेक्शन कैसा था, रीजनिंग सेक्शन कैसा था। ये क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों का मुंह से दूसरे के प्रति निकला कि भाई क्वांट सेक्शन कैसा लगा, है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग डरिए मत, पेपर टफ था, क्वांट हो रीजनिंग हो, दोनों ही पेपर टफ था, दोनों के पेपर उतना ज्यादा डुएबल था नहीं। ठीक है, अगर मैं आज ही का पेपर का मैं गुड रिटर्न के बारे में बात करता हूं, देखिए मैं क्वांट एंड रीजनिंग अगर दोनों को मिला के ओवरऑल में अगर मार्क्स में बात करता हूं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका मार्क्स मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं, ये मार्क्स, अगर आपका मार्क्स 15 है तो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, गुड अटेम्प्ट है। अगर इससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जीए का बात करता हूं, देखिए जीए तो पेपर आपको पता ही है, थोड़ा डीपली तो क्वेश्चंस पूछे गए, उतना ज्यादा भी डुएबल नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक ठाक था। यहां पे अगर आपका 23 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है वो 100% एक्यूरेसी, मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और इंग्लिश का भी अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 20 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है विथ 100% एक्यूरेसी, तो मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो इसमें अगर कोई भी सेक्शन में आपका जीरो भी आता है, अगर नेगेटिव में भी आता है, तो वो भी आपका कोई भी इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल मैटर करता है। ठीक है, तो इस ओवरऑल आपका 55-60 मार्क्स बन रहा है डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के, एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव, ओके, डिस्क्रिप्टिव मैंने जोड़ा नहीं है, सिर्फ 4 सेक्शन मिलाकर अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छे स्कोर है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हालांकि इस बार आपका जो आईबीपीएस एसबीआई का जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी 400 ज्यादा है कि नहीं है। उसके साथ साथ इस बार का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर है, इससे टफ पेपर बच्चे ने शायद ही देखा होगा। तो कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ डाउन जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो कल सुबह मैं इसके रिलेटेड कट ऑफ के रिलेटेड एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड टेक, थैंक यू।